अपने पंचे करें ना काम ताश में तो कह गए सबके कहते रहो बात है ये जुर्मी सर करोड़ा साहब का और कैसे कुंडल मार के बैठा है जवा साहब का हाँ तो मेहमान कदरदार साहब आप जब जब चमेली की छाल में छुप के बैठता है इसका काटा पानी नहीं मांगता लेकिन जो इंसान का बच्चा है धरती का आवारा बेटा खेलता है किसकी खातिर पति पेट की खातिर जो पेट बड़ा है बाकी जो गले लगाता फांसी इससे पहले खेल शुरू किया जाए आप लोग जोरदार ताली बजाइए उसका खेल तो दिखलाएगा लेकिन लोगों ने ताली बड़ी रो रो कर बजाई है अबे क्या बनता है अबे क्या बनता है देखता नहीं देश में कितना दंगा हो रहा है इंसान तीस चौराहे पर दंगा हो रहा है तो गरीब मान इतना पढ़ा लिखा बाबलों का पूरा खेल देखने चला आया उस्ताद इतना पढ़ा लिखा बाबलों का पूरा खेल देखने कैसे चला आया अबे ठीक उसी तरीके से जैसे बस पढ़ा लिखा लोग इन पढ़े लिखे बाबलों को खेल दिखाने चला आया क्या करूं मेहमान कदरदार साहबान मेरे चमड़े की बड़ी गंदी आदत है जब तक आप लोग जोरदार ताली नहीं बजाएगा ये बेचारा खेल नहीं दिखाएगा जोरदार ताली बजेंगे चमड़े आ गया खेल दिखाएगा खेल दिखलाएगा जो पूछेगा बताएगा बतलाएगा तो फिर पीछे घूम जाओ अब बता ये सफेद पैंट पहने बाबूजी का पैंट का कलर कैसा है सफेद क्या बात है बता काली पैंट पहने बाबूजी का पैंट का कलर कैसा है काला देखा मेहरबान कदरदान मेरा चमड़ा कितना सच बताता है हमें जनता की तो सोच अरे उस्ताद जनता की सोच लिया क्या सोचा है अरे उस्ताद आज का मेरा खेल दिखाने का मन नहीं है खेल दिखाने का मन नहीं है हाँ उस्ताद अरे कैसी बातें कर रहा है अरे अपन लोग तो खेल दिखा के लोगों का मनोरंजन करते हैं और तू कहता है कि खेल दिखाने का मन नहीं है अरे हाँ उस्ताद बात ही कुछ ऐसी है क्या है कि आज जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि एक परिवार में एक सास अपनी बहू को कहती है कि जा इसको लेकर जा और डॉक्टर को दिखाकर आ कि अपने घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की और अगर लड़की है तो उसे निकलवा दे और लड़का है तो उसे खुशी खुशी लेकर आ अरे अरे लोगों की सोच बदल चुकी है आप लोग ऐसे नहीं बोलते अब तो बोलते हैं बेटा गर्भ में लड़का है या लड़की हमारे लिए दोनों बराबर है बेटा तुमने गलत सुना है अरे उस्ताद मैंने अपने कानों से सुना है ये सब अरे मैं कैसे मान सकता हूँ इस समय हम लोग कितने आगे निकल चुके हैं और तू बोल रहा है कि आज भी लोगों के मन में ऐसा चल रहा है कि लड़का और लड़की की बात हो रही है अरे उस्ताद अब मैंने आंखों से मतलब देखा भी है कानों से सुना है तो सब कुछ मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ आपको मतलब तूने आपने कानों से सुना है बिल्कुल उस्ताद अच्छा एक बात बता अगर मैं तुझसे बोलूँ कि तू मुझे उसके घर पे इसके बाहर लेकर चल तो लेकर चल सकता है बिल्कुल उस्ताद लेकर चल सकता है अरे बिल्कुल तो फिर आज चलते हूँ तेरे साथ फिर तो हम बाद में दिखाएंगे हम पहले ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा घर है जिस घर में आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है जी चल फिर चल 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 अरे शांति ओ शांति अरे काम मर गई कौन से बतला रही है अरे काय को चिल्ला रहे तुम अरे भगवान नहीं तो भाई ऐसे में ढंग से बोलते तो चिल्लावा रहा मरी नहीं जिंदा हूँ मैं अरे मेरे बड़ा काम मर गई थी और मरी नहीं हूँ जिंदा वो मालूम जिंदा जिंदा घर गया था ये काम है पहले एक गिलास पानी लिया अब मैं गेट पे चढ़ेगा प्याज के मारे मरो जा रहा हूँ मैं इतनी दूर चल गया पानी नहीं मिला ला रहे हैं ऐसे ऐसे कक्का चलाओ मुंह भिजवा लो पानी शांति अगर तू गुस्सा नहीं बच्चों से बात कर बिल्कुल गुस्से नहीं तो बोलो तो सही वो बैल दे रहा है बैल तेरे बाप ने दे दी वो भाग गए क्या तुमने मेरे बैल उड़ा दिए अरे भगवान जी तुझे कैसे भाग गए कैसे भाग गए बे फिर तो उड़ा कर लो दस और दस इतनी जोर से हो बैल में ले रहा हूँ बच्चे खेत से घरे ले आओ बैल ने कहीं पटपटी मेरे हाथ से छुटकी रखी एक बैल भगाओ इतना महंगा हो सर और दूसरा भगाओ बेटा शांति महंगा हो सर इससे बेटा हो रहा मैं तेरे बैल नहीं पकड़ पा अरे बागवान खाली लो मैं फिर मैं कर लो तेरे उठ बैठो मुझे कुछ नहीं पता बस मुझे मेरा बैल चाहिए और मैं चाहूंगा तो बैल ज्यादा प्यार है मेरे बाप ने दिए थे मुझे तो मैंने मांगे सर तेरे बाप ने कहा जहीन में जहीन खो गए मिल जाएंगे ले आऊंगा मिलने लेंगे मुझे मेरे बैल चाहिए अच्छा भगवान गुस्सा मत हो मैं ले आऊंगा मैंने पहले कही थी ये बाल में आवाज देने की आदत बड़ी बेकार है नहीं तुमने कहा कि हाथ लगी है तो हाथ में जा ही रहे और बेलने की भी आवाज मेरे तो मैं सोच रही थी मेरी अच्छी साड़ी आती है दिवाली आ रही है ना अच्छा ये बात होता बाल में तुम मानो की मई हो तो लाल मैं सारी लाइफ को कहा गई वो साड़ी उसमें चुप कर गए
कहे तुम्हारी कुतरी। क्या कहा तुमने? मैंने की साड़ी कुतर गए चिल्लो, अब साड़ी तो लाना पड़ेगी तो छापे वाली ले आऊ। तो अच्छा ठीक है ठीक है। और तो मना रहे जाओ। अरे सुनो, देख ये पीछे से आ कर बेकार आवाज देने की क्यों है? एक बार में बोल दो पहले। आप ना सोच रही थी कि तुम साड़ी लेकर आओगी मेरे लिए, लिपस्टिक भी लाना मेरे लिए। लिपस्टिक का हो गया लिपस्टिक, इसको होटो पर लगाते हैं बॉस घर पे वो लाल लाल। अरे लाल ही बोल बात है, भगवान की प्लास्टिक प्लास्टिक कर रही है। मालूम पड़ेगा ना मिलेगी क्या मार्केट में? मिलेगी कहाँ मिलेगी? अच्छा आज में मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, ले आऊंगा ले आऊंगा। ठीक है क्या मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल पूछिए। अरे सुनो एक शांति, मैं तो मेरे पैसे मूड खराब हो रहा है, फिर मैं दोनों की बीच बीच में गाली सुनो। अरे सुनो सुना क्या कह रही है? कोई बात सुन रहे हो ना? सुना मैं बोली थी मेरी नेल पॉलिश भी ले आ। ये नेल पॉलिश का होते नाखूनों पर लगाते हैं बस देते हो लाल लाल। ये भगवान ने कितने अच्छे रंग दे कागज की जी पोती कर रखा है। अच्छा और तो सच नहीं है कुछ भी चाहिए? ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। आवाज नहीं दीजिए बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाऊंगा। अब गार्ड मान लो, गार्ड मान लिया मैंने। शांति तुमने क्या बहुत दिखाई क्या कराई है जांच? नहीं मैंने दिखाई, मैंने छोटू से बोल दी थी। छोटू है कहाँ पर? यही काम हम कर रहा होगा अंदर तो आवाज कर छोटू। छोटू छोटू हाँ बाबू सारे मेहनत तो से कर गई थी जब बहुत की जांच कराए। अरे बाबू कही तो थी लेकिन अब मैं कहा करो मोटा दिन भर इतना काम रहते और मैं भी अभी तैयार होगी ऑफिस जा रहा है ना बेटा। ऑफिस तो रोज को आवा जा रहा है, अगर जाके दिन फ्री होगा जांच का टाइम ले जाएगा तो भावी हो जाएगी। अरे बापू दो सब में करा लूंगा, अभी कल परसों जाके करा लेंगे हैं, और अब ऑफिस जाना भी तो जरूरी है कि नहीं? वो तो मालूम है ऑफिस जाना जरूरी है, बच्चे जांच कराओ बहुत जरूरी है। अगर बेटा टाइम नहीं करेगा तो भावी खड़ी हो जाएगी शांति में सही कह रहा हूँ। अरे बापू अब मैं जाते कह कह के परेशान है वो, मैंने जैसे कई बार बोली है कि तैयार हो जा मैं तेरे को डॉक्टर के वहां लेके चलता हूँ लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। देख बेटा जांच करा देखो तो फायदा में रहो, ये तो अब तो घाटे को छोड़ो हमें चाहिए क्या शांति? ये बात तो सही कह रहे हो तो ले जा बिग बात। अरे बापू अब मैं ले जाऊंगा लेकिन अभी रह जाए रोज को चक्कर है। अरे बापू अब मैं जाऊंगा तो फिर मैं बहुत टाइम लगते हो, बहुत लाइन भी बहुत लगती रहती है उस हॉस्पिटल में है। अरे चुप हो जा, माँ बापू के सामने आप मुंह चलाने लगी है तू। हमारा बेटा चाहिए बेटा से हमारा बंदी बन जाएगा जैसे हमारे छोटू का छोटू अवे मोहम्मद चला जैसे माँ बापू कह रहे थे वो वैसे करना पड़ेगा। अब क्या है की मैंने भी अरे कैसे नहीं जाएगी गुरु चलाना बंद कर। पता है जैसे हमारा वंश बाबू का वंश बढ़ाने के लिए मैंने जन्म लिया है जैसे हमारा भी वंश बढ़ाने के लिए तुझे भी एक लड़के को जन्म देना होगा। हम बापू लेके जाता तैयार हो गया जा। अरे तैयार हो गया जल्दी कैसे लेके चले गए बाबू जल्दी जल्दी ले चलो। कुछ गाड़ी ले लिए डॉक्टर साहब नहीं है आ रहे हो डॉक्टर साहब दूर से आ रहे तो ये बोले तुम यहाँ कैसे कैसे आना हुआ? बहुआ देखा है क्या बात हो गई? बहुआ बहु तो आपकी पेड़ से है ना तो कोई बात हो गई क्या? अरे मैं
अरे तुमको ऐसा क्यों मतलब समझ नहीं आता, निकल आओ उसको। डॉक्टर साहब इसे अच्छा ये बताओ की ये जो गिरी छोटी हुई है एकदम जानी से गिराया है आपको? ऐसे ही गिर गया, कोई बात नहीं, मैं इसको भी चेकअप करके आता हूँ और पता लगाता हूँ, अंदर जाओ तुम, ठीक है ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसा छीने जाती क्यों हुई थी, क्या कारण था? अरे डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं था, पर क्या है कि हम कह रहे थे कि अब गर्भवती है तो मतलब डॉक्टर साहब से आपसे जांच वांच करवा ले थोड़ा। कैसी जांच? अरे डॉक्टर साहब वो वाली बात नहीं है, हम चाह रहे थे कि उसके घर में लड़का है या लड़की ये पता चल जाता तो अच्छी बात थी। क्यों गोविंद ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की ये पता करने के लिए इसकी जांच करवा रहे हो? मतलब आप तो जेल जाओगे जाओगे, साथ में एक डॉक्टर भी जेल जाए और एक बेचारी बहू इधर उधर। अच्छा तुम क्या चाहती हो, तुमने बताओ क्या चाहती हो तुम? मेरी लड़की हो या लड़का मेरे लिए दोनों बराबर है। जब आपकी हो ये बोल रही है कि मेरे लिए लड़का है या लड़की दोनों बराबर है और उसके बाद आप दोनों से जबरदस्ती सी जांच करवा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? देखो डॉक्टर साहब सही बात तो ये मोलन से चलता, मोलियन से नहीं चलता। अच्छा अच्छा मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक लड़के की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग अगर ये बोलने लगे कि हमें वंश को आगे बढ़ाना है एक लड़के की जरूरत है और सभी अपने लड़की की ख्वाहिश में लड़के लड़के पैदा करते हैं तो लड़के लड़कों के आपस में शादी करने से क्या वंश आगे बढ़ जाएगा? बताओ मुझे, बोलो। नहीं बढ़ेगा। तो हर आदमी हर परिवार ये चाहता है कि मेरे घर में एक लड़के का जन्म हो जाए और लड़कियां जन्म नहीं है तो फिर कैसे वंश पड़ेगा? भैया दोनों का एक तराजू होती है, दोनों पलड़े बराबर होंगे तभी हमारा वंश आगे बढ़ता है। आपकी ये सोच, और तुम तो एक लड़के हो, तुम तो नए नए युवा लड़के हो, तुम्हारी ये सोच कैसे हो गई कि हमारे हमारे बापू ने हमको जन्म दिया, हम अपने बापू का नाम रोशन करेंगे और जब हम भी अपनी पत्नी से ये चाहते हैं कि लड़का एक जन्म हो जाए, यही चाहते हो ना, ये कैसी सोच है तुम्हारी? अरे डॉक्टर साहब ये बात तो सही कह रहे हो आप, अब आप हमें बता रहे हो तो हमें समझ आ गलत बात। ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे हजारों परिवार है जो आज भी ये ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वो कितने पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी धनाक क्यों ना हो, हर घर के अंदर ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसे परिवारों में बहुओं के साथ ऐसा ही होता है, जा बेटा जांच करा के आ, इसके पेट में लड़का है लड़की ये नहीं पता, अगर किसी ने भी खान खबर कर दी तो वो डॉक्टर भी जेल जाएगा, आप लोगों के लिए भी जेल है और जो शिकायत करेगा ना उसको तो पता नहीं कितना पैसा मिलता है, जानकारी है तुमको? नहीं है जानकारी। अरे गोविंद अब तुम्हारी उम्र हो गई है, सुधर जाओ, कब सुधरोगे, आज भी तुम लड़कों की चाहत में, पता नहीं कितने बार तुमने इन लड़कियों को गिरवाया है और फिर तुम वही गलती करने जा रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए और ऐसे इंसानों को शर्म आना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हो। भगवान एक चीज बता दो, भगवान जब न्याय करता है ना तो ऐसे घरों के अंदर लड़कियां ही जन्म देती है, लेकिन लड़कियां जन्म देने के लिए नहीं कि उसके भाग्य मतलब भाग्यशाली परिवार होते हैं जिसके घर में लड़कियां जन्म लेती हैं और आपकी बहुत इतनी अच्छी है, वो खुद ये चाहती है कि मेरे घर के अंदर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो मैं तो उसको जन्म देना चाहती हूँ। तो कौन सी क्यों बेटा तुम बता, तुम तो चाहती हो ना, तो आज की तारीख में हर नारी यही चाहती है कि हर नारी यही चाहती है कि मैं लड़का हो चाहे लड़की मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन माँ बाप सास ससुर या उसका पति यही चाहता है कि नहीं पिछा चल, उस पर जोर जबरदस्ती करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है। जो लोग पैसे वाले हैं उस घरों के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे घरों के अंदर बिल्कुल ना हो और अगर आप भी तुम नहीं सुधरे तो वो भी दूर नहीं है कि तुमको कोई नहीं बचा सकता, आज तुमको भगवान ही न्याय करेगा, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, आज तुमको बहुत अच्छी पत्नी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, समझ आ रहे हैं? नहीं बात हंसने की बात नहीं है, सोचने समझने की बात है, इसको आई समझे तुम्हारे? अब बताओ गोविंद क्या चाहते हो तुम? अब तो साहब तुमने मैं आकर बोल दिया, मेरा मोड़ी हो या मोड़ा मेरे जो भी ऊपर है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो कि अभी भी इसकी जांच करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे तो बता दो, नहीं कराना, जांच जरूर कराओ, उसको ले जाकर दिखाओ कि बच्चा और चच्चा दोनों ठीक है कि नहीं, ये मत कराओ कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की,
क्यों साहब, सही बात है ना? अब भैया तुम जैसे मैं तू तो वैसे करेगा ना? अरे डॉक्टर साहब, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा ही करना है तुझको, ठीक है? हाँ। आज से तू अपनी पत्नी को लेकर जा, इसका ध्यान रख। आज से तू अपनी पत्नी को लेकर जा, इसको ध्यान रख। बेटा हम तुमसे बोल रहे हैं। बेटा हम तुमसे बोल रहे हैं। अरे हम तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे। अरे हम तुमसे बोल रहे हैं, तुमसे। ये पत्नी तुम्हारी थी ना? ये पत्नी तुम्हारी थी ना? अरे मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी है ये। अरे मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी है ये। पागल हो गया तुम? पागल हो गया? तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ जरा। हम डॉक्टर है समझे? हम डॉक्टर है समझे? कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो तुम? चल जाओ यहां से, चल जाओ यहां से। तुम हमको चिल्ला रहे हो? तुम हमको चिल्ला रहे हो? अरे हम तुमको चिल्ला रहे हैं ना? अरे हम तुमको चिल्ला रहे हैं ना? नहीं मानोगे तो? नहीं मानोगे तो? देखो तुम्हें हो क्या गया ये बताओ। मैं देखो तुम्हें हो क्या गया ये बताओ। नहीं तुम बताओ। मैं नहीं तुम बताओ। मैं हम तो ये बोल रहे हैं तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो बस। अरे हम तो ये बोल रहे हैं तुम अपनी